बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगी और आज का स्पेशल डे जो है उसकी आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। स्पेशल डे कैसे, आज अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर की बर्थडे है, आज उनकी सालगिरह का दिन है। 9 नवंबर 1877 में आपकी पैदाइश सियालकोट में हुई। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की, उसके बाद आला तालीम के लिए लाहौर चले गए और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीए और अपना एमए किया। फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए आप इंग्लैंड चले गए, वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन हासिल किया। वकालत के साथ शेर व शायरी भी आप करते रहे। पाकिस्तान का तसव्वुर आपने पेश किया, मुसलमानों की नुमाइंदगी की। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की कोशिशों के बायस पाकिस्तान जो है वो हमारे सामने रूनुमा हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी से पहले 21 अप्रैल 1938 को आप इंतकाल कर गए। लेकिन इस अजीम शायर ऑल्सो द फादर ऑफ आर नेशन को हम हमेशा याद रखेंगे। जब तक पाकिस्तान है तब तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है उनको हम हमेशा याद रखेंगे और उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आज का बहुत ही स्पेशल डे है और आज हम आपको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब की सकावत, पंजाब का खाना, पंजाब का कल्चर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही रिच है। आज हम इससे रिलेटेड बात भी करेंगे, आपको पंजाबी म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी दिखाएंगे, म्यूज़िक भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चश्मा तू यार ना लायो अगे केड़ा घटी सोने, अगे केड़ा घटी सोने।
मंगा लें। अच्छा जी, अहमद नवाज की डिमांड है कि उनको जूस मंगा के दिया जाए, लेकिन 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 ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने अपनी पंजाब का जो सेटअप है वो तैयार रखा है, और जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम कैसे मलकू का नाम भूल सकते हैं। हमारे पंजाबी कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लेवल्स पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, पंजाब के कल्चर को पुश किया है। मलकू के लिए बहुत सी तारीफ। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही नफीस शख्सियत, और इनके साथ बैठे हैं आरिफ भट्ट, एक म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड ऑफकोर्स ए ब्रिलियंट सिंगर। वैसे तो स्ट्रिंग फेलोज के नाम से आप इनको जानते ही हैं, लेकिन हमने अब उसकी बात नहीं करनी, हमने सिर्फ इनकी बात करनी है। सोलो सिंगर, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एंड ऑफ कोर्स जब पंजाब की बात करें तो हम संदल को कैसे भूल सकते हैं। हम कुछ कर ले, संदल ने हमें नहीं छोड़ना। बेहतरीन एक्ट्रेस, बाय द वे अपने आप को प्रूव किया टू बी अ बेहतरीन होस्ट एज वेल। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू संदल। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको अगर कोई सीनियर एडवाइस दे तो उस मशवरे को ले भी लेते हैं और फिर बाद में आपको कहते भी हैं कि थैंक यू, आप ही आपने मुझे एडवाइस दी। सो संदल इज़ वन ऑफ दोज पीपल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर मैं नहीं मानूँ तो फिर मुझे बहुत पढ़ती हैं, इसलिए मुझे और मुझे बहुत कुछ सीखने को नहीं, वो हर दो मिनट बाद चूची बन जाती है ना कि मुझे बड़ी मार पिटती है, बड़ा हम तुम्हें चूचे से कुटते हैं ना संदल। बस उन्होंने देखा वैसा आपने ऑन एयर अहमद नवाज को मारा अभी दो मिनट पहले, इसको उसका गला घोंट रही थी आप और अहमद नवाज भी हमारे साथ लाश बन के बैठा है। तो से भूंड साथ ही फिर रहा है, ये अभी इधर आ रहा है, उधर भी भूंड है, इधर भी भूंड है, हर तरफ जिनको हम तंबूरियां कहते हैं, भूंड पे भूंड। एनीवे, सो वी हैव अहमद नवाज विद अस एज वेल, बेहतरीन आला लेवल के सिंगर और खड़े होकर ऑलराउंडर परफॉर्मर एक्टर एंड बैंकर आल्सो। लेकिन खैर ये तो एक दुख की बात है जिस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। हेलो अहमद जी, आज आपने फिर दोबारा इन्विटेशन दिया, लेकिन आज मुझे एक चीज का नहीं, बड़ा ये झूठ ना बोला, आज मैंने नहीं बुलाया था, इन्विटेशन वाला झूठ है भाई। वैसे ही आज संदल को लगा कि आज भी हम ना ऑन एयर खाना जो है वो सेटअप कर रहे हैं, इसके लिए हमने कुछ नहीं इसके लिए तैयारी की। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ है फलक भट्ट, जो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? और आपके साथ हमने एक ऐसी शख्सियत को बिठाया है जो खुद भी मॉडल है लेकिन उसके साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, कि थोड़ा हमें ये भी बता दें कि पंजाबी कल्चर में जो हम इतनी हैवी हैवी चीज़ें खाते हैं, अहमद अली हमें गाइड करेंगे कि क्या वो हम खा भी सकते हैं कि नहीं, या ऐवे ही खाते चले जाते हैं और कहते हैं एक पाउंड वजन कम नहीं हुआ बल्कि 4 किलो बढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ, मैंने सिर्फ पाए खाए, निहारी खाई, सरसों का साग खाया, बल्कि दिन में 2 दफा सरसों का साग खाया और मकई की रोटी और देसी घी और देसी मक्खन के बगैर तो वैसे ही नामुकम्मल होती है ना ये चीजें। जो मैं अहमद के बारे में ना एड ऑन करता चलूं कि इसने एक दफा जो हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक दफ़ा इसने पहले भी कांटेक्ट किया था और उनके पास जाके पूरा डाइट चार्ट और प्लान बनाया, उन्होंने इसको ना बताया कि आपने सारे दिन में सिर्फ सूप का बाउल एक बड़ा पीना है। अच्छा, वो सारे दिन में मतलब वो कितने किलो वो का एक होगा? बाउल था काफ़ी बड़ा सारा, तो उसके बाद जब ये 1-1.5 माह बाद दोबारा जब गया डॉक्टर पे तो देखा कि वेट ज़्यादा बढ़ गया, तो उन डॉक्टर ने कहा कि आप क्या करते रहे हो, डाइट क्या लेते रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं तो सिर्फ सूप पीता रहा हूँ, तो बाद में पता चला कि जो अपनी रेगुलर डाइट पहले से खा रहा था वो खाने के बाद वो सूप भी पीता था। वो नहीं खाना। अच्छा, बोलो ना। इस इज्जतदार नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
बस कर सजन बनावण दी अजा यार बनाउण तू नी रजया हर सजन तू दोखे खा देनी अजा दोखे खाउण तू नी रजया दिल बस कर सजन बनावण दी अजा यार बनाउण तू नी रजया जख्मा तू अजा चोटा खोण तू नी रजया दिल बस कर सजन बनावण दी अजा यार बनाउण तू नी रजया सजन तू दोखे खा देनी अजा दोखे खाउण तू नी रजया दिल बस कर सजन बनावण दी अजा यार बनाउण तू नी रजया जी हाँ
क्या बात है, क्या बात है। मैंने डांसर्स जो मेरे भाई हैं उन्हें कहूंगी कि वापस आए जरा। ये हमारे बहुत ही बेहतरीन शराफत अली खान साहब हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट सराइकी सिंगर। पंजाब के कल्चर को जब ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो सराइकी कल्चर को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो बहुत ही अमेजिंग डांसर्स हैं, अमेजिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका नाम भी बड़ा अमेजिंग है, वर्सटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप, बहुत ही ब्रिलियंट। मतलब आप ये देखें व्यूअर्स के, हम लोग जो हमने प्लान किया था वो तो हमने ओपनिंग और थोड़ा सा बीच में किया था। गाने कौन से हम परफॉर्म कर रहे हैं लाइव, वो तो सिंगर्स पे डिपेंड कर रहा है कि जो कौन क्या करना चाह रहा है। और जिस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं और परफॉर्म करते हैं, मैं वर्सटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी और उनके लिए तालियाँ बजाना चाहूँगी। गुरु का मतलब पता है ना? करो, कोई हया करो, मैं नहीं पता था। कोई हया कर लिया। मैं क्या गुरु का, मैं नहीं पता था। मतलब हर जगह घुस जाता है बहुत, और ये जगह भी ज्यादा चाहिए उसको। ये ट्रेनर उसकी साथ में खड़ी हुई है, कभी इसको मारती है, कभी इसको जमीन पे बैठा देती है, कभी कुछ करती है। वैसे ये पंजाब के कल्चर का हिस्सा नहीं है। माओ कहा एक बात है कि पंजाबी कल्चर में वो एक चप्पल उड़ती भी जाती है, आप चाहे ऐसे जाएं, वैसे जाएं, छत के ऊपर चढ़ जाएं, बिस्तर के नीचे घुस जाएं, वो चप्पल लगनी जरूर है। चप्पल किस किस ने खाई है? चप्पल बचपन में किस किस ने खाई है? चावल बनाने वाला चम्मच भी खाया। ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। बाहर के मुल्क में माँ बाप इस तरह घूरते हैं, फौरन 911 कॉल करते हैं। इधर भी आ गई थी, मैंने कहा इधर भी आ गई है, मैंने कहा इधर आने की कोशिश हो रही है लेकिन हम भगा देते हैं बार बार। अच्छा, हम नहीं मारते अपने बच्चों को डर के मारे कि आगे जाके 10 लोगों के सामने कहेंगे इतना मार दिया मम्मा, इन इंग्लिश में कहते हो मम्मा हिट्स मी ऑल द टाइम, आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन खैर ये रोने तो चलते ही रहेंगे। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद और परफॉर्मेंसेस एंड ऑफ कोर्स पंजाब के कल्चर के बारे में, हमारे इन ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो हमारे कल्चर को इतना प्रमोट करते हैं, इनको क्या पसंद है।
क्या बात है, रॉक एंड ढोल ये शेजी हसन, थैंक यू सो मच सारा कुछ हैंडल करने का और अरेंज करने। इनकी कॉम्बिनेशन में तो जरा बात करें, मतलब देखें ना, पंजाबी कल्चर को आप फ्यूजन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सैक्सोफोन आपने ऐड कर दिया, ड्रम्स ऐड कर दिया आपने, इलेक्ट्रिक गिटार बेस ऐड किया, लीड गिटार ऐड किया, इन सब चीजों से एक हमारी ट्रेडिशनल चीज के अंदर एक जिद्दत पैदा हो गई, वेस्टर्न कल्चर भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। इसका नाम रॉक एंड ढोल, रॉक एंड ढोल, यानी कि रॉक भी है और हमारा ट्रेडिशनल ढोल भी। कितना खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको सैक्सोफोन को ब्लेंड किया, इसके अंदर लीड गिटार, ड्रम्स एंड द ढोल। और मैं एक बात दावे के साथ कर सकता हूँ दोस्तों कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे बहुत बहुत अच्छा बजाने वाले, बहुत बहुत अच्छा पेश करने वाले, लेकिन मेरा दावा है कि पूरी दुनिया के अंदर इस कदर हैंडसम ढोल प्लेयर्स आपको, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सबसे पहले तो इनकी लुक के लिए बहुत सारी क्लैप, उसके बाद इसकी बैंड की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी क्लैप, एंड देन उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे यूथ को हमारे कल्चर की तरफ वापस आने का ये एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। आजकल हम देखते हैं कि शादियों पे भी ढोल वालों को अब नहीं इस तरह से बुलाते, बिकॉज वो कहते हैं कि हम बुलाएंगे तो वो यू नो मतलब सिर्फ ढोल है। अब इस किस्म के जो ऑसम इनोवेशंस हैं ये हमारे आज और हमारे कल को कंबाइन करके एक बहुत ही अमेजिंग, शादी में ढोल ना और शादी का मजा। और अगर आपको शादी पे डांसर चाहिए तो वो बैठा हुआ है। अच्छा, इसका डांसर बैंड का मैं चलो शुरू हो जाओ, आंसर आ गया। पैसे उठाने के लिए आपको पता है अहमद नवाज साहब, मैं आपने पानी का नहीं पिया नहीं किसी ने, एक सेकंड, आपके पानी में किसी ने नहीं पिया, आपको सिर्फ नाचने के लिए बुलाया। नहीं नहीं नहीं, ये पानी में इसलिए लाई थी कि अगर ये हल्कान होके गिर जाए तो ये पानी में सुपर है। वो तो मेरे वैसे भी फ्रेंड, मेरे फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, ये सुपर जरा बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, प्लीज वेरी गुड सिंगर, सिंगर बर्गर लग रहा है पूरा पिज्जे के मुंह बस भी कर दो। लेकिन ये बात यह की मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नजर लग गई मॉडर्न ताकि न्यू जनरेशन भी ढोल सुने इस पे डांस करे। इसको थोड़ा सा ढोल को ना वो सब सारी दुनिया प्ले करती है, ट्रेडिशनल साज है, वो ही लाचा कुर्ता पहन के अपना वो जो उनका एक ड्रेस ट्रेडिशनल होता है, इसको थोड़ा सा चेंज किया थोड़ा सा मैंने। असल में होता ये है कि हमारी जो फैमिलीज होती है ना जी, वो क्योंकि ओल्डर जनरेशन की होती है, बिल्कुल, जो जिनकी शादी हो रही होती है वो कहते हैं हमें कुछ यंग एंड इनोवेटिव चाहिए, तो वो ये बड़ी ही एक खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। एंड ऑनेस्टली सैक्सोफोन की एडिशन, ड्रम्स की एडिशन, गिटार की एडिशन, नेक्स्ट लेवल पे चीज को ले जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि जो सैक्सोफोन प्ले कर रहे हैं ना, इनका नाम है तकी, तकी भाई, और ये तकी भाई जो हैं ये हमारे पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं, तकी जाट ढोलना आर्टिस्ट हैं और बड़े ही बाकमाल शख्सियत हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का सैक्सोफोन इन्होंने प्ले किया है, क्या बात है, जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, तकी भाई रह चुके हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया और अहमद ने हर गली गली में परफॉर्म और कूचे में भी। चलो 1 2 3 गो, चलो दुनिया अभी ब्रेक के बाद। अच्छा नहीं कर दो, एक चल कर ले, हां कर दो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये शख्स अहमद नवाज नुमा मेरी जान नहीं छोड़ा, सिर पे खड़ा हो गया, क्या मसला है अहमद? गिव मी अ पेमेंट, गिव मी अ पेमेंट, पैसे पैसे, वो किस चीज के पैसे बेटा? वो आपने कहा था 500 रुपए दूंगी, कल जितने चने भटूरे आपने खाए हैं, कुछ 8 किलो लस्सी पी ली है, तो हिसाब बराबर नहीं हो गया जी? थैंक यू, चले क्या मैं करूं व्यूअर्स, हमारे पंजाबी कल्चर के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है मलकू जी, आपसे शुरू करते हैं। एक तो मुझे जो रस्में हैं छोटी छोटी जो वो बड़ी पसंद है। सेकंडली जो हमारा ट्रेडिशन है कि मुझे याद है कि गांव में ये होता है कि अगर किसी ने सालन बनाया तो साथ 4 घर और भी ले जाते हैं। हाँ। और उसको बुरा नहीं समझते, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज ये हो रहा है कि मतलब वो प्यार मोहब्बत बड़ी अच्छी, किसी ने बात की थी घर तो
बड़े बड़े बन गए लेकिन वो प्यारे हमसाए नहीं रहे, प्यारे हमसाए नहीं रहे और दिल बहुत छोटे हो गए। घर जितना बड़ा हुआ है उतने छोटे दिल हो गए। व्यूअर्स अपने दस्तरखान को वसी करें, ये नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले को खिलाएं, लेकिन कम से कम जो साथ के दो लोग हैं और जो सामने के घर में आपके लोग रहते हैं, अगर मीठे चावल घर में बनाए, गुड़ वाले चावल या सरसों का साग मकई की रोटी बनाई है, थोड़ा एक्स्ट्रा बना ले, एक मोहब्बत का इजहार ही है ना अपने। लेकिन शायद नई जनरेशन को ना पता हो कि गांव में आज भी मैं जाता हूं तो वहां पे गन्ना काट के उसका रौ निकाल के चावलों में उसे हम कहते हैं वो खीर टाइप ही होती है, गुड़ गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल नहीं होते, वो कुछ और होता है, वो रौ का बनता है, गन्ने के जूस से बनता है, वो गुड़ और चावलों से बनता है और पूरे दिन वो बनता रहता है, उसमें सौंफ डालते हैं, वो बना के तो हैंग करते हैं रात को, यानी शाम को बना के हैंग कर देते हैं, वो ठंडा होता है और सर्दियों में यही सीजन है, सुबह उठ के लोग ठंडा उसको खाते हैं। कभी मलकू झूठे मुंह ले ही आया करते हैं के लिए यार। अच्छा, मैं अक्सर क्या होता कि मेरी अम्मा बना के रखती थी और मेरे ही दोस्त चोरी कर लेते, मैं करवाता था। अच्छा फलक, आप बताइए आपको पंजाब के कल्चर की सबसे प्यारी बात क्या लगती है? ड्रेसिंग। अच्छा, और म्यूजिक, क्योंकि भंगड़ा ऐसी चीज है जिसको डांस नहीं भी आता उसके भी हाथ पांव चलना शुरू हो जाते हैं। हम भी उठ गए थे। एग्जैक्टली। यस, ऐसे ही है। फलक तो बहुत अच्छा माशाल्लाह डांस करती हैं। अच्छा आप बताइए, देखिए यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, उसके अलावा यू आर अ मॉडल ऑल्सो, आपको पंजाब के कल्चर के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है अहमद अली? अगर देखा जाए तो खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, जो हमारी मेन जो बेसिक है सारी, और लेकिन कभी कभी हम लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा वो ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के लोग ज़रा खाते बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा, अब तो सीजन आ गया है, पाए, निहारी, मच्छी का सालन भी बड़े मजे का बनता है रोहू के साथ। बिल्कुल ऐसे है, जो पहले लोग मोटे नहीं थे गांव में, आज भी देखे मोटे नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड खाते नहीं, मगर उसके अलावा मलकु भाई एक और बात है, एक और चीज है, मूवमेंट बहुत थी और दूसरा जो खाते हैं उससे लोग मोटे हो रहे हैं। नहीं नहीं, आजकल एक और चीज है, हम लोग जो खाते हैं ना वो यहाँ तक खाते हैं, ठीक है, वो तो आप लोग खाते थे अपनी नीड के लिए। देखिए मेरा ख्याल है, मैं इसमें एक इनपुट देना चाहता हूँ सर आपकी इजाज़त से, क्योंकि आपसे बेहतर इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि शहरों के अंदर ना जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, ये हमारे सोने जागने की वजह से। यस, तो गाँव में चूंकि कल्चर है अभी भी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इस वजह से जो खाया पिया सारे दिन में हैवी नाश्ते पराठे देसी घी, वो हजम या जूद हजम इसलिए होते हैं। इतनी अमेजिंग बात रेज की है, मैं यहाँ पे व्यूअर्स आरिफ भाई की बात को सेकंड करूंगी। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर आप 8 घंटे नींद रात के सोए, मतलब 8-9 बजे मैक्सिमम 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे या फजर पे जागे, ये गारंटी के साथ बात कही जा सकती है कि अगर आपका वेट फंसा हुआ है, आप स्टक हुए हुए हैं, तो आपका ये वाला, और यही वाली बात जो आपने कहा गांव में ये होता है, और सुबह सुबह उठ के एक मूवमेंट होती है। 80 साल की नानो या दादो भी इधर जा रही है उधर जा रही है, हम बिस्तरों में पड़े हुए लोगों को नहीं देखते अनलेस वो बीमार हो। आपको खेतों में काम करने वाले लोग आसानी के साथ 100+ इसलिए मिलते हैं और वो फिट होते हैं फिजिकली, कि वो काम भी कर रहे होते हैं और उनका वेट भी बड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि सारी जिंदगी उनकी बड़ी एक अच्छी और हेल्दी रूटीन रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये कि शहरों के अंदर हर बात जो है वो इस कदर डिस्पोजेबल टाइप की हो गई है कि हर चीज जो है वो बस सब लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल टाइप का बना लिया। बिल्कुल, इस वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो होना। अच्छा आप बताइए भैया कि आपके लिए सबसे ज्यादा कुछ खेल की भी बात करें ना, कबड्डी हो गई, गुल्ली डंडा हो गया। मैं चैंपियन था खरोटों का, मुझे याद है, मेरे गाँव के लोग सुन रहे हैं, कल मेरा शो भी है वहाँ पे ना, मेरे गाँव में शो है और सेकंड मेरा शो गुजरात में है, 2 शो है, तो मैं अगर वो देख रहे तो मैं चैंपियन था खरोट खेलने का, ये जो अखरोट खेलते हैं ना, इसके अलावा मैं गुल्ली डंडे का भी चैंपियन था। क्या बात है, तो क्या आज है? मेरा दिल था कि वो अहमदाबाद मुझे सबसे ज्यादा स्टापू और पतंग। जी भैया आप बताइए। जी बहुत शुक्रिया जुगन, मुझे वॉलीबॉल का बहुत ज्यादा शौक था, बचपन में खेला भी हूँ, काफी ट्रॉफीज भी जीती है मैंने। सॉफ्ट वाला के हार्ड वाला? नहीं है, सॉफ्ट वाला सर। अच्छा। नहीं, वॉलीबॉल कहाँ से हमारे कल्चर का हिस्सा है? बहुत हिस्सा है हमारे कल्चर का, हमारे, मैं खुद खेलता रहा वॉलीबॉल। अच्छा, नेट बॉल जो नेट लगा, नेट लगा के वो शबैशे मारना, वो आज हमारे गांव की भी टीम है, हाथों के साथ, नहीं नहीं वो हार्ड बॉल होता है, बड़ा हार्ड बॉल होता है, सही। तो सेकंडली कल्चर में जो डांस है हमारा, बहुत प्यारा डांस करते हैं हमारे कल्चर के लोग, बहुत आला, बहुत आला, बहुत रिदम उसमें होता है, और खास कर ये जो डांस मलकू भाई को भी बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा शो करते हैं, तो मियां वाली का डांस जो है ना वो बहुत, मतलब बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सिराई की म्यूजिक की तरफ भी अब लोगों का बहुत ज्यादा रुझान हो गया,
बहुत ज्यादा लोग, पहले इतना ज्यादा सराइकी म्यूजिक की तरफ लोग नहीं आ रहे थे, बट हर बंदा, हर आर्टिस्ट जो है कोई सराइकी सॉन्ग जरूर बनाता है। लाला ताउल्ला के लिए तालियां पहले तो चाहिए कि जिन्होंने पूरी दुनिया में जो सराइकी म्यूजिक है उसको प्रमोट किया और आज भी वही है। और आज मैं समझता हूँ कि दुनिया पाकिस्तान में इवन जो लिसनर है पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सराइकी म्यूजिक सुना जाता है। मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि देखें हर मुल्क का, हर मुल्क की एक अपनी सकाफत, अपना कल्चर है और हर कल्चर के अंदर आपको इस कदर ब्यूटी नज़र आएगी अगर आप उसको क्लोजली वॉच करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। एक बड़ा आम सा एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पे, लोग जब नॉर्दर्न एरियाज में सैर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से तो खुंजराब तक चले जाते हैं जो 1500-1800-2000 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है बाई रोड। अच्छा वो चले जाते हैं डायरेक्टली खुंजराब पास पे पहुँच गए, तस्वीरें खिंचवाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस पूरे खित्ते के दरमियान में जगह जगह के ऊपर इस कदर ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं रुकने के लिए और वहाँ का फूड है जो लोकल फूड है, खाना पीना, कि एक एक बात इस कदर खूबसूरत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है इतने रिच कल्चर के साथ। दूसरी बात ये कि कल्चर जो इट्सेल्फ एक मीडियम है। मैं एक बात बड़े हमा दावा के साथ करना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान के इतने नामवर लोग यहाँ पे मौजूद हैं और टीवी पे बड़ी दुनिया देख रही है, बड़े दावे के साथ एक बात कि पाकिस्तान का सारे ही कल्चर, चाहे वो सराइकी हो, पंजाबी हो या पोठोहारी हो, पोठोहारी कोई भी कल्चर हो, लेकिन हमारा जो पंजाब का ख़ास तौर पे कल्चर है ये इस कदर रिच है और इसकी जो रूट्स इस कदर डीप हैं, चाहे वो सराइकी हो या टिपिकल पंजाबी हो, कि कोई भी आर्टिस्ट इसको प्रमोट नहीं करता। हर आर्टिस्ट को इस कल्चर ने प्रमोट बिल्कुल किया सही, बिल्कुल और सही। हर आर्टिस्ट ने एज ए मीडियम इस कल्चर को अडॉप्ट किया और पूरी दुनिया में माशाल्लाह नाम हुआ। हाँ जी शराफत भाई, आप बात कर रहे थे सराइकी कल्चर के बारे में। जी जी, सराइकी कल्चर क्योंकि बहुत बड़ा है और आजकल ट्रेंड भी ये सराइकी चल रहा है। और भट साहब पूछ रहे थे मुझसे पहले कि आपके मतलब सराइकी के हवाले से कुछ, तो मैंने कहा कि सराइकी में हम से ज़्यादा अहमियत जो है वो शायर रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो जब शायरी मुझे अच्छी देते हैं, हमें अच्छा कलाम बना के देते हैं, अच्छी कंपोजिंग बना के देते हैं, तो ऑटोमेटिकली गाने के लिए दिल करता है और गाना वो हिट होने वाला होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आप संदल कुछ ऐड करेंगी? मुझे गांव में जब जाते हैं ना हम, तो बात करनी है अहमद नवाज, जाके माइक पकड़ो। जब ट्यूबवेल पे जाके नहाते हैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम अपने गांव जाते हैं तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, सुबह सुबह उठना और सुबह लस्सी जब पिलाते हैं, चाटी की लस्सी जो है ना, ये इधर इसको सुन ले, सुबह सुबह उठना, मार मार के इसको सुबह जगाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, अभी उधर जाके उठना पड़ता है, सारे उठ जाते हैं तो वो लाइटें शाइटें ऑन हो जाती और ऊपर से वो धूप और गर्मी, उधर ऐसे कोई एसी जैसे नहीं है, इधर से भी रोशनी, इधर भी रोशनी हो रहा है। एक चीज है जुगन, आपने शायद एक्सपीरियंस कभी किया हो कि जब गांव में या किसी ऐसे एरिया में जब आप सोते हैं और तो ज्यादातर सेहन के अंदर सोने का रिवाज होता है गर्मियों में, तो सूरज बहुत जल्दी निकल आता है, तो उस वक्त जो सुबह सुबह उठ के दौड़े लगती है सबकी, भाग के अंदर चले जाते हैं और देर तक थोड़ा सा, ये किसी ने एक्सपीरियंस की है चीज़? लेकिन आरिफ भाई ये गांव में ये चीज़ नहीं होती, गांव में ये चीज़ नहीं होती। मैं बताता हूं मेरे साथ क्या होता था। अच्छा हमें यहां पे बाय द वे सॉरी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है, गपशप में ये एक हाथ जो है ना मनकु भाई का उठा हुआ है, इस हाथ को इधर होल्ड कीजिए, इधर ही हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ऐसे ऐसे होल्ड कर लें। लुग लुग जावे जन शर्मा नहीं जीना ओदे बिना, इक मन मोनी कुड़ी सोचा मानो सोनी कुड़ी अज मैनू मिल गई है, पहली बारी तकिया मैं भूल नहीं हो सकिया, मैं
राइट और लेफ्ट दोनों पे खूबसूरत लड़कियां आ गई हैं। पहले एक गुड लुकिंग मैन थे और प्यारी सी लड़की थी, लेकिन जब दो हसीनाएं राइट और लेफ्ट पे आ जाए तो फिर लेफ्ट पे मेरे सरवत है, राइट पे मेरे फरहाना अरशद है और दोनों ही बेहतरीन सिंगर्स हैं। भाई सरवत, आपका आउटफिट भी इतना प्यारा है, कुछ सुना दे जल्दी से। आइए आइए आइए, लाजवाब आर्टिस्ट हैं जी, बहुत सारी दुआएं। क्या बात है, जी हाँ व्यूअर्स, ऑसम ऑसम आर्टिस्ट सरवत का अब हम सॉन्ग लेंगे। और आपने देखा है कि इतनी खूबसूरत इनकी ड्रेसिंग है, हमारी जो एक ट्रेडिशनल कलरफुल ब्राइट लुक होती है, और फिर फूल भी जब कान पे लगा मैडम हुआ की याद आ तो क्या ही बात है, मैडम जी की याद आ गई, मैडम जी का भी वो एक फूल वाला जो था।
What a beautiful song, Jani. How beautiful. I love the flowers. So pretty. जी हाँ, क्या बात है व्यूअर्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, माशाल्लाह। एंड बाय द वे, ये लुक मुझे बहुत ही पसंद आई है, जो फूलों वाली एक लुक है ना, बिल्कुल आपने सही कहा संदल के, मैडम जी याद आ जाती हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ये ऑन है मैडम जी का सॉन्ग है, तो जाहिर है उन्हीं का जो उनकी याद में जो गेटअप किया है अपनी तरफ से बिल्कुल उनको तो माशाल्लाह हर चीज खूबसूरत लगती थी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश मैंने भी की है कि अच्छी लग सके। क्या बात, भी अच्छी लगी है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए फराना, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसको देख के इंस्पायर होती हैं म्यूजिक की दुनिया में, पंजाबी कल्चर को याद रखते हुए? बिल्कुल, माशाल्लाह इतने नाम हैं। मलकू हुमैरा अरशद। वाह वाह वाह, हाँ जी बिल्कुल, हुमैरा जी बहुत बड़ा नाम है बाकी। और मैडम नूरजहां जी हैं, और माशाल्लाह हमारे जितने भी पाकिस्तानी सिंगर्स हैं वो सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर। और ये बात तो माननी पड़ेगी फराना कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने कहा था कि आप एक एक्टिविटी करेंगे, वो क्या थी? बेसिकली ये होता है जो इनके गांव में आज भी शादियों पे ना कंपटीशन होते हैं, उसे कहते हैं गौन माइये, गौन माइये मतलब टप्पे माइये, गौन माइये की डिफरेंट। आपने कहा था फराना जी आएंगे तो हम ये करेंगे, तो आ गए जी। बिल्कुल, मतलब एकदम से हमारा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया कि मुझे देखा तो मैंने कहा मलकू भाई आए तो बस अब हम आज कुछ चेंज करें। अच्छा, वो चेंज हम ब्रेक के बाद कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उससे स्टार्ट करेंगे। जी जी, लेकिन शर्त एक है। क्या? अहमद डांस में नहीं आएगा बीच में। अहमद आपने उठे ना, ये छड़ी मेरे हाथ में, छड़ी नहीं है वो, मतलब मैं समझा मलकू कहने लगा कि अहमद उस पे डांस करेगा, मलकू ने कहा अहमद उस पे डांस नहीं करेगा। ब्रेक के बाद आएंगे जब ये दोनों अपना परफॉर्म कर रहे होंगे, ये जो आपने क्या है, क्या बोली, गौन माइये, गौन माइये, गौन माइये, टप्पे भाई टप्पे। ब्रेक के बाद जिसमें अहमद वास नहीं डांस करेगा, देखते हैं ये होगा कि नहीं। ब्रेक के बाद उसको सेल निकाल दें।
बिछड़े लोड खड़े ओ साडी बदनामी दे लगे सड़क ते बोर्ड खड़े वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में भी आपसे बात की कि आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर की आज सालगिरह है और हम आपको आज हमने शुरू में भी ट्रिब्यूट पेश किया। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में आप पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की, फिर आला तालीम के लिए लाहौर चले गए और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BA और MA किया। फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए आप इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपका दाखला हुआ, एडमिशन हुआ। वकालत के साथ शेर व शायरी भी किया करते थे और आपके बारे में एक बहुत ही फेमस बात है कि आप सिर्फ इतने केसेस टेक ऑन करते थे हर महीने जितनी आपकी घर की ज़रूरत थी, उसके बाद आप अपना सारा टाइम जो है अपनी पोइट्री को, अपनी राइटिंग को, अपनी फ़िलोसॉफिकल गुफ्तगू को देते थे और आप बाकायदा महफिलें लगती थी आपके घर में और बाहर भी जहाँ पे बैठ के डिस्कशंस होती थी। आफ्टर ऑल आपने ही पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इसका आइडिया पुट फॉरवर्ड किया और आपकी तालीमात और कायदे आज़म की कोशिश से ही पाकिस्तान अल्टीमेटली आज़ाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को आप इस दुनिया से रुख्सत हो गए और अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करें, आमीन। और एक ग्रेट पर्सन, एक ऐसी पर्सनालिटी, अगर हम कहें कि हमारे फादर्स ऑफ द नेशन थे, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फादर ऑफ आर नेशन, उसी तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनने की तरफ, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हम सलाम पेश करते हैं इस ग्रेट पोइट को और उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, आज हमने अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, पंजाब को ट्रिब्यूट पेश किया। डिफरेंट प्रोविंसेस की तरफ भी हम जाएंगे लेकिन इस वक्त क्योंकि हम पंजाब में लोकेटेड हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू मॉर्निंग शोज़ जो अभी भी लाहौर से हो रहे हैं, हमने सोचा कि हमारे जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं जो हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं और जैसे कि आरिफ भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि हमारा कल्चर इनको प्रमोट करता है, हमारी ज़बान, हमारा डांस और ये सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। मलकू का बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद नवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, शराफत अली खान बहुत ही बेहतरीन हमारे की आर्टिस्ट, आरिफ भट्ट, संदल सरवत, फरहाना अरशद, फलक शेख एंड देन ऑफ कोर्स अहमद अली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दो ग्रुप्स हैं जिनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, एक तो जो बैंड है रॉक एंड ढोल, शेजी हसन इसको रन करते हैं, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी रॉक एंड ढोल ने, बहुत ही अमेजिंग फ्यूजन ढोल और वेस्टर्न म्यूजिक, यानी कि ताली भी बजा दें दोबारा क्योंकि अप्रिशिएट करें यंगस्टर्स का बैंड, बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे डांस ग्रुप का, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या बात है, बाकायदा हमारे पूरे शो का, हमारे शो को चार डांस लगा दिए, चार डांस लगा दिए, मलकू जी पांचवा इधर बैठे, पांचवा यहाँ पे और अहमद नवाज की भी डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे जो हमारे परफॉर्मर्स हैं वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप, उनके लिए भी बहुत ज्यादा तालियां, क्या बात है, क्या बेहतरीन आर्टिस्ट है, ऑल ऑफ देम। यहाँ पे जाते जाते शराफत भाई अगर आप हमारे साथ हैं, आपसे कुछ शेर सुना दूं, गुलाम इकबाल का एक शेर सुना दें। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए, क्या बात है। और इसी पे हम अपना शो क्लोज करेंगे। जी भैया जगाया माही, मैं पूछे या जो
Hey.